टोनी स्टार्क एके आयरन मैन ने हमेशा से अपने आर्मर से हम फैंस को चौंका दिया है। तो आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मार्क 1 से मार्क 85 तक के सारे आर्मर के बारे में। तो मिस्टर फ्लेम से मैं हूं अनुभव एंड लेट्स बिगिन। आयरन लीजियन सीरीज। आयरन लीजियन आयरन मैन का एक ड्रॉइड ग्रुप था जिसका प्राइमरी वर्क था गार्ड करना और प्रोटेक्ट करना सिविलियंस को जब एवेंजर्स मौजूद ना हो या फिर बैटल में हो, और इसी ड्रॉइड ग्रुप को कंट्रोल करता था जार्विस। बैटल ऑफ न्यूयॉर्क के बाद टोनी को यह पता चल गया था कि अकेला आयरन मैन या फिर आयरन मैन वॉर मशीन के साथ भी अर्थ को नेक्स्ट एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल थ्रेट से डिफेंड नहीं कर पाएंगे। तो यहीं पर स्टार्क ने बहुत सारे आयरन मैन आर्मर्स बना दिए जिन्हें रिमोटली कंट्रोल किया जा सकता था, और उसी को हम जानते हैं आयरन लीजियन के नाम से। मार्क 1। मार्क 1 के क्रिएटर सिर्फ टोनी स्टार्क नहीं बल्कि हो आइनसीन भी हैं, जिसे आगे जाकर सी स्वीट किया मार्क 2 ने। मार्क 1 टोनी स्टार्क का वो पहला आर्मर था जो कि आयरन मैन ने केव में बनाया था, और इसी आर्मर की मदद से टोनी स्टार्क वहां से निकल भी पाया। मार्क 1 में कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज ही थी, पर आप जो भी कहो मार्क 1 की ड्यूरेबिलिटी काफी गजब की थी। इसी के साथ इसमें फ्लाइट एबिलिटी भी थी, और अगर वेपनरी की बात करें तो इसमें दो मेन वेपन पर फोकस किया गया था, फ्लेम थ्रोवर्स। ये अपने दोनों व्रिस्ट से फ्लेम फेंक सकता था, और यही इस आर्मर का मेन मेथड ऑफ अटैक भी था। मिसाइल्स। ये आर्मर अपने हर आर्म में एक सिंगल शॉट मिसाइल कैरी करता था। मार्क 2। जहां मार्क 1 के क्रिएटर दो थे, वहीं मार्क 2 के यूजर दो हैं, जो हैं टोनी स्टार्क और जेम्स रोड्स। मार्क 2 मार्क 1 के जितना बल्कि नहीं था, इसका डिजाइन काफी ज्यादा स्लीक था, पर हायर एटीट्यूड्स में जाने पर इस सूट में डेंजरस आइसिंग प्रॉब्लम आ रही थी जो कि इस सूट को इमोबिलाइज कर रही थी, और इसी वजह से स्टार्क ने इस सूट का इस्तेमाल ज्यादा नहीं किया और मार्क 3 में इस प्रॉब्लम को सुधार दिया, और आगे इसी आर्मर को जोड़ तोड़ कर दे दिया गया रोडी को। हमेशा से ही ये देखा गया है कि जो टेक्नोलॉजी आयरन मैन अपने सूट में यूज कर चुका होता है वही आगे चलकर हमें वॉर मशीन में दिखाई जाती है। मार्क 3। मार्क 3 एक ऐसा सूट था जिसके क्रिएटर और यूजर दोनों ही टोनी स्टार्क थे। मार्क 3 टोनी का थर्ड आर्मर था और एक अपग्रेडेड वर्जन था हमारे मार्क 2 का। इसमें पुराने फ्लॉज को भी इम्प्रूव किया गया था। ये पहला ऐसा सूट था जिसमें इंटीग्रेटेड एडवांस ऑनबोर्ड वेपन सिस्टम थे, और इसी के साथ इसने अडॉप्ट किया था क्लासिक रेड और गोल्ड कलर स्कीम। मार्क 3 में गोल्ड और टाइटेनियम का एलॉय यूज किया गया था जिसकी वजह से इसमें आइसिंग प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। आयरन मॉन्गर से फाइट के बाद इसको बैटल डैमेज मार्क कर दिया गया, बट स्टिल ये सेमी डैमेज हुआ हमें दिखा स्टार्क के हॉल ऑफ आर्मर में दूसरे आर्मर्स के साथ। लेकिन मैंडरीन फोर्सेस के अटैक से मार्क 3 डिस्ट्रॉय हो गया। मार्क 3 की ड्यूरेबिलिटी को 21 तोपों की सलामी, जहां गोल्ड और टाइटेनियम के एलॉय से बने होने की वजह से ये एक इफेक्टिव विथस्टैंड टैंक की फायर आर्म बुलेट को सह गया, और तो और इसने F-22 रैप्टर के कोलिजन को भी हैंडल कर लिया। इन्हीं सब चीजों के साथ इस आर्मर में थे हर्ड सेल सर्विस, फ्लाइट, रिपल्सर्स, यूनिबीम, मिनीगन, एंटी टैंक मिसाइल्स और फ्लेयर्स। मार्क 4। मार्क 4 टोनी स्टार्क का चौथा सूट था जिसने मार्क 3 को रिप्लेस किया जब मार्क 3 हैवीली डैमेज हो गया था स्टार्क और ओबडाया स्टेन की फाइट में। टोनी सबसे पहले इस आर्मर को पहने हुए दिखा स्टार्क एक्सपो में, और फिर वो अपने बर्थडे पार्टी में मार्क 4 के कारनामे दिखाता हुआ मिला, और यहीं पर रोडी आया था मार्क 2 को पहनकर। फिर तो मुक्का लात सब बराबर हो गई। स्टार्क आखिरी बार इस आर्मर को पहने हुए दिखता है रैंडीज डोनट में, और यहीं पर वो मिलता है फ्यूरी से। मार्क 5। मार्क 5 को सूट के सूट भी कहा जाता है। ये टोनी स्टार्क का ऐसा फर्स्ट आर्मर था जो कि पोर्टेबिलिटी, मतलब कि कहीं भी सूट केस में कैरी किया जा सकता है। इस सूट को स्टार्क ने यूज किया था ड्यूएल ऑफ मोनाको के टाइम, जहां इसको डैमेज किया व्हिप्लैश ने। इस आर्मर में ऑनबोर्ड वेपन्स और फ्लाइट कैपेबिलिटीज नहीं थी, बट स्टिल ये कुछ लेवल के रिपल्सर्स और इक्विप्ड वेपन्स के साथ आया। मार्क 6। मार्क 6 में टोनी स्टार्क ने आर्क रिएक्टर को बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर दिया, जिसका एनर्जी आउटपुट बहुत ज्यादा था, और हो भी क्यों ना, क्योंकि इसमें एक न्यू एलिमेंट का यूज किया गया है जो था पोलेडियम, और ये एक पहला सूट था जिसमें ट्रायंगुलर चेस्ट पीस था। स्टार्क एक्सपो में वॉर मशीन के साथ हमें दिखाई दिया ये सूट। मार्क 6 की मदद से टोनी स्टार्क ने स्टार्क टावर बनाया और गॉड ऑफ थंडर से फाइट की। मार्क 6 की ड्यूरेबिलिटी इतनी ज्यादा थी कि इसने म्यूनियर के एक अटैक को भी झेल लिया था, और इसी आर्मर ने शील्ड के हेलीकैरियर को भी रिपेयर किया, पर यहीं सूट की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई, और ये एक पहला सूट था जो कि अंडरवाटर कैपेबिलिटीज के साथ आता था। मार्क 7। मार्क 7 एक ऐसा सूट था जो कि ऑटोमेटिक डिप्लॉयमेंट और असेंबली के साथ आता है। इस सूट का हैवी यूज हमें दिखा बैटल ऑफ न्यूयॉर्क में, और चित्तौरी आर्मी को इस सूट ने गजब की टक्कर दी। मार्क 7 में ट्राई लेजर सिस्टम था जिसको सीधा आर्क रिएक्टर से पावर मिलती थी, पर इसको एक बार ही यूज किया जा सकता था। सूट्स में वास्ट इंप्रूवमेंट करने के बाद भी ये स्पेस ट्रैवल में जाने के काबिल नहीं था। जब टोनी टेसरैक्ट ओपनिंग में मिसाइल को लेकर जा रहा होता है तो उसके बहुत सारे फंक्शन शट डाउन हो गए, जिसने लगभग उसकी जान ही ले ली। जब टोनी ने अपना एड्रेस सबके सामने बता दिया तो मैंडरीन के स्टार्क मैंशन पर अटैक करते ही मार्क 1 से मार्क 7 सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड इनेबल हो गए। मार्क 8 से मार्क 42 को जल्दी निपटाएंगे,
क्योंकि ये सब आयरन लीजन सीरीज में आते हैं और ये सभी क्लीन स्लेट प्रोटोकॉल में तबाह हो गए थे, जिसमें आते हैं मार्क 8, मार्क 9। पेपर ने इसके आर्म रिपल्सर को यूज करके किलन को एक्सप्लोजन से मारा था, लेकिन बाद में पेपर ने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। मार्क 10, इसकी सिर्फ एक खासियत थी कि ये 3 गुना ज्यादा तेज उड़ सकता था। मार्क 11, ये न्यू हेलमेट डिजाइन के साथ आया। मार्क 12, इस सूट का हाई डेंसिटी कार्बन और स्टील एलॉय एक्सोस्केलेटन ने इसको बहुत ज्यादा ड्यूरेबल बना दिया। मार्क 13, मार्क 14, मार्क 15 स्नीकी, मार्क 16 नाइट क्लब। नाइट क्लब में एडवांस कलर कैमोफ्लेक टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। मार्क 17 हार्ट ब्रेकर, ये आर्मर पावरफुल फायर ब्लास्ट कर सकता था। मार्क 18 कैसानोवा, मार्क 19 टाइगर, जिसकी स्पीड एक एयरफोर्स जेट के इक्वल थी और ये एक सोनिक बूम भी क्रिएट कर सकता था। मार्क 20 पाइथन, क्योंकि एक लॉन्ग डिस्टेंस को कवर कर सकता है। मार्क 21 मिडास, मार्क 22 हॉट रॉड। मार्क 22 के पास कोई भी एक्सटर्नल वेपन नहीं था सिवाय रिपल्सर और यूनिबीम को छोड़कर। मार्क 23 शेड्स, मार्क 24 टैंक, मार्क 25 टम्पर। मार्क 25 की एबिलिटी ये है कि ये हाई टेम्परेचर और इलेक्ट्रिकल सर्जेस को भी सह सकता है। इसके आर्म्स में जैक हैमर लगा था। मार्क 26 गामा, मार्क 26 ने जैक हैमर को ही एज अ डिवेस्टेटिंग वेपन की तरह यूज किया विद फंडामेंटल रिपल्सर और ये गामा रेडिएशन से भी रेसिस्टेंट था। मार्क 27 डिस्को, ऐसा नहीं है कि ये डिस्को डांस कर लेता है, बल्कि इसका नाम इसकी कलर स्कीम यानी कि ऑरेंज और ब्लू कलर की वजह से रखा गया। मार्क 28 जैक, मार्क 29 फिडलर। मार्क 29 के हाथ में भी एक न्यूमेटिक जैक हैमर था। मार्क 30 ब्लू स्टील, इसके हाथ में छुपा रुस्तम ब्लेड थे जो कि इसके आर्म्स में छुपे हुए थे। मार्क 31 पिस्टन, इसके पास सुपरसोनिक स्पीड थी। मार्क 32 रोमियो, मार्क 33 सिल्वर सेंचुरियन, जिसे हम इनहेंस एनर्जी सूट के नाम से भी जानते हैं। मार्क 34 साउथ पॉ, ये आर्मर टोनी को किसी भी नेचुरल डिजास्टर से बचा सकता है। मार्क 35 रेड स्नैपर, मार्क 36 पीस मेकर, मार्क 37 हैमरहेड, मार्क 38 आइगर, मार्क 39 स्टार बूस्ट, इसको बनाया गया था सब ऑर्बिटल स्पेस ट्रेवल करने के लिए। मार्क 40 शॉटगन, मार्क 41 बोन्स। बोन्स सिर्फ ब्लैक और गोल्ड कलर का था, इसमें सिर्फ फोकस किया गया था स्पीड और वर्नेबिलिटी पर। मार्क 42 प्रोडिगल सन, ये सूट अपने आप में डिप्लॉय और असेंबल हो सकता था। ये सूट कभी पूरा बन ही नहीं पाया, ये अपने टेस्टिंग फेज में ही यूज होता रहा और इसमें कुछ डिजाइन फ्लॉज थे, और इसी आर्मर ने एयरफोर्स 1 के क्रू मेंबर को भी बचाया। मार्क 43, सबसे पहले हमारे टोनी स्टार्क को इस आर्मर में देखा गया एज ऑफ अल्ट्रॉन में हाइडर रिसर्च बेस पर, और इसी का यूज करके टोनी ने डिस्ट्रॉय की थी वहां की बेस शील्ड। सैल्वेज यार्ड में ही टोनी ने मार्क 43 का यूज किया और अल्ट्रॉन से फाइट की, और मार्क 43 के ऊपर ही हल्क बस्टर भी फिट हुआ। इस सूट की ड्यूरेबिलिटी गजब की थी, जहाँ पे इसने हाइड्रा के वेपन्स और अल्ट्रॉन की कंसेसिव बीम को भी झेल लिया। इसी के साथ इस आर्मर में यूज किया गया था कोलैप्सिबल प्लेटिंग का, जो कि इंस्पायर था मार्क 5 और मार्क 7 आर्मर से, और हमें इसमें देखने को मिला सेंट्री मोड, इंफ्रारेड स्कैन, स्मार्ट माइक्रोगन्स और ऑटोनॉमिक प्रीहेंसाइल प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी। मार्क 44, मार्क 44 को टोनी और ब्रूस ने मिलकर बनाया था, जिसे आप हल्क बस्टर के नाम से भी जानते हो, और इसके नाम से ही पता लग गए होंगे आपको इसके काम। ये लॉन्च होता था एक ऑर्बिटल ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म से जिसका नाम था वेरोनिका। वेल, नाम तो सुना ही होगा। इसी के पहनने के बाद आयरन मैन को एक बिल्डिंग भी खरीदनी पड़ गई। इस सूट की कैपेबिलिटीज में आती थी रिपल्सर्स, ऑटोनॉमिक प्रीहेंसाइल्स, ग्रैपलिंग हुक, हाइड्रोलिक रैम्स, स्लीपिंग गैस, मिसाइल्स, वेरोनिका रिप्लेसिंग पार्ट्स। मार्क 45, मार्क 43 और मार्क 44 दोनों ही अल्ट्रॉन से लड़ने के बाद और माइंड कंट्रोल हल्क से लड़ने के बाद डिस्ट्रॉय हो गए थे। टोनी ने मार्क 45 को यूज किया सुकोविया में अल्ट्रॉन से लड़ने के लिए। टोनी ने इसमें नया एआई यानी फ्राइडे को यूज किया और इसी सूट ने नोविग्राड को भी डिस्ट्रॉय किया। इस सूट की स्ट्रेंथ कमाल की थी, जहां इसने शील्ड लाइफ बोट के वेट को उठा लिया। इसी के साथ हमें देखने को मिला एडवांस लेजर सिस्टम, रिपल्सर्स। इसके रिपल्सर्स इतने ज्यादा जानदार थे कि इसने वाइब्रेनियम तब को मेल्ट कर दिया। मार्क 46, मार्क 46 में 95.5% टाइटेनियम का यूज किया गया और 4.5% गोल्ड का यूज किया गया। सिविल वॉर इकलौती ऐसी मूवी थी जहां पे टोनी स्टार्क ने एक ही आर्मर में गुजारा कर दिया। इसी सूट के ईएमपी ने हेलीकॉप्टर को डिसेबल कर दिया। जब टोनी कैप से हैंड टू हैंड फाइट कर रहे थे, तब हॉकआई ने एक एक्सप्लोसिव एरो इस सूट के लेफ्ट शोल्डर पर मारा था, जिससे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ा। मार्क 46 अकेले ही बकी और कैप दोनों को फेस कर रहा था, और इसी आर्मर की यूनिबीम ने बकी के मेटल आर्म को डिसइंटीग्रेट करके उसे एक हाथ वाला ठाकुर बना दिया। इसी सूट ने रॉजर्स के हैंड टू हैंड कॉम्बैक के पैटर्न को रिकॉर्ड किया, उसकी वीकनेस पता लगाई, फिर एक हाथ से शील्ड रोकी और दूसरे हाथ से कैप को पीटा। मार्क 47, हमें सबसे पहले मार्क 47 देखने को मिला स्पाइडरमैन होमकमिंग में। जब स्पाइडरमैन लेक में गिर गया, तो टोनी ने इसको रिमोटली वाईफाई से कंट्रोल किया और पीटर को बचाया। जब फेरी 2 टुकड़ों में बट गया, तो वहां के लोगों को बचाने के लिए मिनी थ्रस्टर्स और टोनी को खुद आना पड़ा। हमें इस सूट में देखने को मिला एडवांस लेजर सिस्टम, रिमोट कंट्रोल,
सेल्फ कंटेन्ड लाइफ सपोर्ट सिस्टम और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन मार्क 48। इसको बनाया तो टोनी ने था पर यूज किया ब्रूस ने, जिसे आप हल्कबस्टर 2.0 के नाम से जानते हो, जिसको रोकने के लिए इस आर्मर को बनाया गया था। आगे चलकर उसी ने इस आर्मर को यूज किया। ब्रूस ने इस आर्मर को यूज किया बैटल ऑफ वाकांडा में आउटराइडर्स के अगेंस्ट और कल ऑक्सीडियन की पिटाई करने में। भले ही इन्फिनिटी वॉर में कल ऑक्सीडियन ने इसके एक हाथ को तोड़ दिया हो, बट एंड गेम में इसी के हाथों ने थेनोस के हाथों को थामा। मार्क 49, जिसे आप रेस्क्यू आर्मर के नाम से भी जानते हो, जिसको पेपर पॉट्स ने यूज किया और इसका हेलमेट मॉर्गन स्टार्क ने भी पहना था। रेस्क्यू आर्मर को इन्फिनिटी वॉर से पहले ही डिजाइन कर दिया गया था, हालांकि टोनी ने इसको बनाकर गैराज में रख दिया था, पर एंड गेम में पेपर पॉट्स ने रेस्क्यू आर्मर को यूज किया बैटल ऑफ अर्थ में। इसके रिपल्सर ब्लास्ट मार्क 50 और मार्क 85 के पावर लेवल के थे। इस सूट में हमें सबसे पहली बार देखने को मिला ऑटोनॉमस एनर्जी डिस्प्लेसर सेंट्रीज, जो कि इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि उसने नैरो क्राफ्ट को एक सिंगल शॉट में डिस्ट्रॉय कर दिया। मार्क 50 टोनी स्टार्क के अभी तक के आर्मर में मार्क 50 सबसे ज्यादा एडवांस आर्मर था, जो कि नैनो टेक्नोलॉजी पर बेस्ड था। वहीं ये फर्स्ट आर्मर था जिसमें मिली वेपन्स, बैकअप टूल्स और फ्लाइट इनहेंसमेंट थी, और मार्क 50 के एक ही स्लिंग शॉट ने टोनी को क्यू शिप तक पहुंचा दिया। स्टार्क ने इसका इस्तेमाल किया था ग्रीनविच विलेज में, जहां इसके क्लस्टर कैनन ने कल ऑक्सीडियन को इबोनीमॉ की गोद में भेज दिया। इवेंट टाइटन पर थेनोस का सर फोड़ने के साथ साथ इस आर्मर ने उसका मुंह भी तोड़ा। इस आर्मर ने हम फैंस का दिल तब जीता जब इसने पावर स्टोन के अटैक को अपने शील्ड से रोक लिया। मार्क 50 के बाद 34 सूट्स और बने, पर वो हमें दिखाए नहीं गए, जिन्हें हो सकता है फ्यूचर एमसीयू मूवीज में दिखाया जाए या फिर ना भी दिखाया जाए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मार्क 85 के बारे में, जहां मार्क 50 के बहुत सारे फंक्शंस फ्राइडे के असिस्टेंट के बाहर जाने पर काम करना बंद कर दे रहे थे, उसी चीज को मार्क 85 में टोनी ने सुधार दिया। बट म्यूनियर के हिट ने मार्क 85 के अंदर बैठा टोनी को बेहोश कर दिया। इसी के साथ मार्क 85 में हमें एक ऐसा वेपन देखने को मिला जो कि पुराने सूट में नहीं था, वो था लाइटनिंग रिफोकसर। और तो और मार्क 85 में एनर्जी शील्ड को इम्प्रूव किया गया और होलोग्राम रिकॉर्डिंग भी रखी गई। फॉरेन ऑब्जेक्ट इंटीग्रेशन होने की वजह से मार्क 85 में लगभग 6 इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर को हार्नेस कर दिया, और ये कोई मामूली बात नहीं है। और मार्क 85 टोनी का एक मास्टरपीस सूट था। तो हमने अपनी इस वीडियो में मार्क 1 से मार्क 85 तक के सारे सूट को कवर कर लिया और आयरन लीजियन सीरीज को भी कवर कर लिया। सारी डिटेल्स इकट्ठा करने में मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगा, क्योंकि मैंने आयरन लीजियन सीरीज की भी कैपेबिलिटीज आपको बताई हैं। इनफैक्ट मैंने आपको इस वीडियो में वो चीजें भी बताई हैं जो कि मार्वल की फैंडम साइट पे भी नहीं है। तो इसके लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और शेयर तो कर ही दीजिएगा। और अगर आप मेरे नए व्यूअर हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।